जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र जारी करने के अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और पाकिस्तान से लेकर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार कभी नहीं बन सकती। हमारे कार्यकर्ता ये बात आम लोगों को बताएं, जिन्होंने हरि सिंह महाराज का अपमान किया ऐसे लोगों को जिताना नहीं चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों परिवारों ने यहां भ्रष्टाचार की चरम सीमा को छुआ है। अमित शाह ने अब्दुल्ला परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवाद आता है उनका परिवार विदेश चला जाता है। इसी के साथ उन्होंने जम्मू की जनता से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नहीं जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनको जिताने से आतंकवाद फिर से आएगा, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा और जम्मू के लोगों को कटोरा लेकर श्रीनगर जाना पड़ेगा। अमित शाह पत्थरबाजी और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जेलों में बंद लोगों के मुद्दों पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां ऐसे लोगों को छुड़ाकर फिर से घाटी का माहौल खराब करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष फिर से जम्मू पुंछ, राजौरी जैसे क्षेत्रों के शांति को भंग कराना चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ की जनता ये सब होने देगी, इसलिए ये चुनाव काफी अहम है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने के विपक्ष के वादे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो बात मैं पहले ही कह चुका हूं उसे विपक्ष के नेता दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 5 और 6 अगस्त का मेरा भाषण सुन लें, मैंने कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पार्टी कहती हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव हो रहा है, पहली बार पूरे कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार यहाँ एक तिरंगे के नीचे मतदान होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से 70 साल के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना अधिकार मिला है, लेकिन ये दोनों पार्टी फिर से आपका अधिकार छीनना चाहती हैं। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं होती तब तक उनसे बात नहीं हो सकती। अमित शाह ने कहा कि आज हमारी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में यहाँ एम्स, आईटीआई दिए, कॉलेज दिए। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मोदी सरकार के समय में ही संभव हो सका है। 370 खत्म होने के बाद यहाँ आतंकवाद में कमी आई है।